नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करेंगे और आंसर की कैसे दाल चेक करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो भी यूपी ट्रिपल एससी की नई आंसर की आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से दो चीजों की जो है जरूरत पड़ती है, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा आपका रोल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालना है, और लॉग इन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जिन्होंने अपने जो रिटर्न एग्जाम है उसमें अपियर्ड हुए। अगर आपने जो है फॉर्म भरा था और सीबीटी एग्जाम में अपियर नहीं हुए थे, रिटर्न एग्जाम में अपियर नहीं हुए, तो आपका यहाँ जो ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन आईडी डाला, तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन खुल जाएगा। नीचे वहाँ पे आपको देख सकते हैं सारे सेट यहाँ पे दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑब्जेक्शन समरी दे रहा है, लेकिन आपको व्यू ऑब्जेक्शन समरी पे अभी नहीं क्लिक करना है। ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह दिख जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने डाला है, और ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑब्जेक्शन समरी है। ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे रेज ऑब्जेक्शन का भी ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जो आंसर की कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे जिसपे लिखा हुआ है सिलेक्ट सेट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए सिलेक्ट सेट मैंने मार्कर की मदद से जो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको अपना सेट जो है चूज करना है, आपने जो भी परीक्षा दी है उसका जो सेट है आपका एग्जाम में आया, तो उस सेट को जो है आपको जो है सिलेक्ट करना है, सेट ए बी सी डी जो भी हो सकता है। देख सकते हैं मैंने सेट डी को जो है सिलेक्ट किया। तो सेट डी में आप देखेंगे जो भी पहला क्वेश्चन है, उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो जो है आंसर भी जो है दिए हुए, देख सकते हैं जहाँ की लिखा उसी के ठीक नीचे जो है करेक्ट आंसर उनके दिए हुए। दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्शन की, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में ऑब्जेक्शन है, तो जैसे मान लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑब्जेक्शन है, आप मान लीजिए मैं 9 ले लेता हूं, तो 9 पे आप देख सकते हैं सी वाला आंसर उनके हिसाब से सही है, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर जो गलत है दूसरा सही होना चाहिए। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शन गलत है। तो जो भी आपको ऑप्शन है जिसमें भी आपको लगता है कि ऑप्शन आपके हिसाब से सही है आपको देना है, उसमें यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स लिखना है कि ये क्वेश्चन आपका क्यों गलत है या उनके द्वारा दी गई आंसर की क्यों गलत है, उसको आपको डिटेल्स देना है। यहाँ पे आपको नीचे डिफरेंस लिखना है, आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इनपुट टूल्स की मदद से आपको जो है हिंदी में लिख सकते हैं। नीचे आपको उसका रेफरेंस देना है, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप इनपुट टूल्स जो इंटरनेट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देना है कि आपको बुक न्यूज से मिला है या आर्टिकल से मिला है, जो भी उसका नाम या आपको वेबसाइट का लिंक है, ऑथर का नाम है, एडिशन का डिटेल्स है, सब कुछ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन पे और जो है चेक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 30 लिया, इसमें भी आपको पहले इस तरीके से ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन में आपको चेक करना है। ड्रॉप डाउन में चेक करने के बाद यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, किस रीजन से आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो है गलत है, उसको रीजन को सेट करने पर उसी तरह सेम प्रोसीजर आपको रेफरेंस डालना है, आपको जो वेबसाइट का नाम या बुक टाइटल है वो डालना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन समरी पे जाएंगे, आपको डिटेल जो है शो करने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।